दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेना ने बुधवार को उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्तर कोरिया को पूरी तरह से तबाह करने की चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद ये बयान सामने आया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण से कई देशों, खास तौर से इन तीन देशों की नाक में दम कर डाला है। दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय नीति मामलों के उप महानिदेशक पार्क चुल-क्यून, जापान के रक्षा मंत्रालय नीति के निदेशक टारू यामातो और पूर्व एशिया के लिए अमेरिकी कार्यवाहक उप सहायक रक्षा मंत्री एंड्रयू वेंटरट्रिज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपक्षीय वार्ता की। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के पिछले मिसाइल परीक्षण की तीव्रता पर विचार विमर्श किया, जो 3,700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जापान के ऊपर से गुजरी थी। वहीं वे किम जोंग उन प्रशासन पर अधिकतम दबाव बनाने और आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत बनाने की जरूरत पर सहमत हुए। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम परीक्षण किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, मगर उत्तर कोरिया ने तमाम वैश्विक दबावों और प्रतिबंधों को धता बताते हुए एक और मिसाइल परीक्षण कर अपना रुख साफ कर दिया। अब ऐसे में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने उसे सबक सिखाने की ठान ली है। टीम इंडिलिंक्स।